हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं आज के करंट अफेयर्स में। और आज हम लोग 10 जनवरी का करंट अफेयर्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि मेरे पिछले वीडियोस आपको बहुत ही पसंद आ रहे हो। और आज का हमारा करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं। यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने की संभावना इसकी पूरी पूरी है। अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो ध्यान रहे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, शेयर और लाइक जरूर करें। चले फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट है अम्मा वोदी स्कीम। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा अम्मा वोदी स्कीम लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट या इस स्कीम की बात करें तो ऐसी माताएं जो गरीबी के दौर से गुजर रही हैं, उन माताओं को अपने बच्चों के एजुकेशन की व्यवस्था के लिए आंध्र प्रदेश सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट करने जा रही है। इसके तहत 15,000 रुपए हर महीने मदर्स या उसके बच्चे के गार्जियंस के अकाउंट में आंध्र प्रदेश की सरकार 15,000 रुपए जमा करेगी। अतः फ्रेंड, आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अम्मा वोदी स्कीम किस राज्य सरकार की स्कीम है। आंसर इस आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन पूछेगा कि अम्मा वोदी स्कीम का संबंध है स्कूली बच्चों की शिक्षा हेतु माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, कितना रुपया दिया जा रहा है। आंसर इस 15,000 रुपए। चलिए, अगर हम आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करें येद्दुगुरी संदीनति जगमोहन रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, जबकि यहाँ के गवर्नर बिस्वाभूषण हरिचंदन है। स्टेट बर्ड इंडियन रोलर, स्टेट एनिमल ब्लैक बुक है, जबकि स्टेट ट्री नीम ट्री या नीम का पौधा यहाँ का स्टेट ट्री है। आई होप फ्रेंड्स, दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चले अगला करंट अफेयर्स, सेंसस इंडिया 2021। जैसा कि आपको पता है कि भारत की जनगणना 2021 1 अप्रैल 2020 से शुरू किया जाएगा, यानी 1 अप्रैल 2020 से ये शुरू किया जाएगा, जबकि 30 सितंबर को ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। याद रहे, इस रिपोर्ट की बात करें तो इस सेंसस रिपोर्ट में हम सीधे सीधे मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा जानकारियां कलेक्ट करेंगे, यानी जानकारी जो कलेक्ट होगी वो मोबाइल ऐप के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। आई होप फ्रेंड्स अच्छी तरह समझ में आ गया हो। अगला देखिए, चंद्रपाल सिंह राज्यसभा के एज ए मेंबर हैं। इन्होंने हाल ही में इन्हें कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड का एज ए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। यहां पर कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड बेसिकली यूरिया का प्रोडक्शन करती है, देन एज आई सेड दैट फर्टिलाइजर का फॉर्मेशन या निर्माण करती है। यानी ये जो कृषक भारती कोऑपरेशन लिमिटेड है ये बेसिकली यूरिया और फर्टिलाइजर का निर्माण करती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में किसे इलेक्ट किया गया है। आंसर इज चंद्रपाल सिंह। आई होप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। यहां पर देखिए दिया हुआ है मुप्पा वरापू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। यहां पे मुप्पा वरापू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस दो व्यक्तियों को दिया गया है। पहला एमएस स्वामी नाथन जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, जबकि दूसरे हैं सोशल वर्कर डॉक्टर गुट्टा मुनि रत्नम, यानी डॉक्टर गुट्टा मुनि रत्नम को और साथ साथ में एम एस स्वामीनाथन को एज ए यहां पर मुप्पा वरापू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड दिया गया है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एम एस स्वामीनाथन को ग्रीन रेवोल्यूशन का एज ए इंडिया में फादर कहा जाता है। अतः इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। याद रहे यह अवार्ड तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में दिया गया है, यानी तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और यहीं पर यह अवार्ड दिया गया है। जबकि यह अवार्ड जो दिया गया है बेसिकली मुप्पा वरापू फाउंडेशन के द्वारा
यह अवार्ड दिया गया है, जबकि इसे लॉन्च स्वर्ण भारत ट्रस्ट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। यह हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। इस अवार्ड के द्वारा 5 लाख रुपए की राशि विजेता को दी जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया। यहां सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मुप्पा वरपू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड किन दो व्यक्तियों को दिया गया। आंसर इस MS स्वामीनाथन और डॉक्टर गुट्टा मुनि रत्नम को यह अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड के तहत 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जबकि यह अवार्ड स्वर्ण भारत ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। आगे देखिए, अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। देखिए यहां पर कैपिटल इसकी हैदराबाद है, गवर्नर इसके तमिल्ली साई सौंदर राजन यहां के गवर्नर हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर की बात करें तो यहां पे के चीफ मिनिस्टर कलवाकुंतला चंद्रशेखर राव यहां के चीफ मिनिस्टर हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको दी गई जानकारी अच्छी तरह समझ में आई हो। फ्रेंड्स यहां पर देखिए अगला करंट का न्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण है। ICC मेंस टेस्ट रैंकिंग 2020 यानी हाल ही में ICC के द्वारा टेस्ट रैंकिंग की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली टॉप पोजीशन पर हैं और इन्हें 928 पॉइंट्स मिले हैं। इसके साथ ही ये भारत के सबसे न केवल श्रेष्ठ क्रिकेटर हैं, बल्कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट नंबर 1 क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं। जबकि यहां पर अगर देखिए टेस्ट की रैंकिंग की बात करें तो चित्र में देखिए ध्यान से, इंडिया ने यहां पर 42 मैच खेले हैं, पॉइंट्स को 5046 मिले हैं। रेटिंग देखिए यहां पर दिया हुआ 120। यहां देखिए ऑस्ट्रेलिया सेकंड पोजीशन पे है, साउथ अफ्रीका थर्ड, न्यूजीलैंड फोर्थ और इंग्लैंड फिफ्थ पोजीशन पे है, यानी टेस्ट रैंकिंग में भी भारत का स्थान पहला है। यहां पर देखिए अगर टॉप बैट्समैन की बात करें तो विराट कोहली फर्स्ट पोजीशन पे है देखिए यहां पर, और टॉप बॉलर में देखिए पैट क्यूमिनस जो ऑस्ट्रेलिया के हैं ये टॉप बॉलर में आते हैं। इसके अलावा भी देखिए यहां पर मैंने कुछ जानकारी दी है आपको टेस्ट रैंकिंग से रिलेटेड, जिसमें रैंक बॉलिंग और ऑलराउंडर यहां देखिए दिया हुआ है। बैटिंग में विराट कोहली फर्स्ट पे है, सेकंड पे स्टीवन पीटर हैं जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। बॉलिंग में यहां पर देखिए पैट्रिक जेम्स क्यूमिनस जो ऑस्ट्रेलिया के हैं बॉलिंग में फर्स्ट पे हैं, जबकि सेकंड पे है नील वैगनर जो साउथ अफ्रीका के बॉलर हैं। यहां ऑलराउंडर में देखिए जैसन ओमार होल्डर जो वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर में फर्स्ट पे हैं, जबकि सेकंड पोजीशन पर रविंद्र जडेजा जो इंडिया के हैं ये सेकंड पोजीशन पे हैं, जो वर्ल्ड के सेकंड ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं। यहां पर देखिए इंडियन का भी कुछ लिस्ट है, जस चेतेश्वर अरविंद पुजारा 6 पोजीशन पे हैं, यहां पर अजिंक्य रहाणे 9 पोजीशन पे हैं। बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह 6 स्थान पर हैं, रविचंद्र अश्विन 9 स्थान पर, मनमोहन मोहम्मद सामी 10 नंबर पे हैं देखिए यहां पर, जबकि ऑलराउंडर में रविचंद्र अश्विन 5 पोजीशन पे हैं। आई होप फ्रेंड्स की दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही काम देगी, कहीं ना कहीं आप यहां से क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ICC मेंस टेस्ट रैंकिंग में भारत का कौन सा प्लेयर टॉप पर है। आंसर इज विराट कोहली। अंडरस्टैंड, अगर थोड़ा ICC के बारे में जान लें तो इसका फॉर्मेशन 15 जून 1909 को किया गया था। हेडक्वार्टर इसका दुबई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात। चेयरमैन इसके शशांक मनोहर है, जबकि CEO की बात करें तो मनु सावने इसके एज ए चेयरमैन है। फ्रेंड्स आगे देखिए एक और करंट अफेयर सारा, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी 2020 को यानी 10th Jan 2020 को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया गया। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन यही पूछेगा, वर्ल्ड हिंदी डे किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स 10th जनवरी, अच्छी तरह से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। यहां पर देखिए इस वर्ल्ड हिंदी डे का जो मेन ऑब्जेक्ट था टू प्रमोट द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज अब्रॉड, यानी इस वर्ल्ड हिंदी डे को सेलिब्रेट करने का मेन पर्पस था विदेशों में हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना। सीधे सीधे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। यहां थोड़ा नोट करके देखिए, मैंने कुछ दिया हुआ है आपके लिए बेसिक इंफॉर्मेशन। पहला वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 10 जनवरी 1975 को नागपुर में कंडक्ट किया गया था, बेसिकली इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है।
इट वॉज अटेंडेड बाय 122 डेलीगेट्स फ्रॉम 30 कंट्रीज, जबकि उस समय 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने इस वर्ल्ड हिंदी डे में पार्टिसिपेट किया था। आई होप फ्रेंड्स अच्छी तरह समझ में आ गया हो। अगला करंट अफेयर देखिए, अरुणाचल प्रदेश एडॉप्टेड न्यू लोगो फॉर द स्टेट, यानी अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने अपने स्टेट का न्यू लोगो जारी किया है। देखिए बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है चित्र में, देखिए कुछ फूल्स भी हैं, फ्लावर भी हैं, और बीच में यहां पर अशोक चक्र भी दिया हुआ है। यहां पर देखिए अशोक का जो सिंबल है, नेशनल एम्बलम, ये भी यहां पर दिया हुआ है। अगर इस चित्र के साथ साथ इसके बारे में अगर बात करें तो थोड़ा देखिए, अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली एडॉप्टेड ए न्यू लोगो, यानी अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में नया लोगो अपने राज्य के लिए एडॉप्ट कर लिया है, जो पूरी तरह से अब उसकी अपनी आइडेंटिटी और कल्चर को डिनोट करता है। अगर इसके की पॉइंट की बात करें तो इस न्यू लोगो में नेशनल एम्बलम यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह के साथ साथ यहां पर बीच में फ्लावर है, फॉक्सटेल ऑर्चिड, यानी फॉक्सटेल ऑर्चिड जो यहां का स्टेट फ्लावर है, इसको भी सिंबल में रखा गया है। यहां पर नेशनल एम्बलम को जो यूज किया गया है, ये भारत के फेडरल सिस्टम को डिनोट करता है, जबकि यहां का जो फ्लावर फॉक्सटेल ऑर्चिड है, ये अरुणाचल प्रदेश के कल्चर को डिनोट करता है। जबकि इसमें यूज किया गया ब्लू कलर कहीं ना कहीं असेंबली के ऑटोनॉमी को डिनोट करता है। आई होप फ्रेंड्स अच्छी तरह समझ में आ गया हो। अगर हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर प्रेमा खांडू हैं, गवर्नर बीडी मिश्रा हैं, स्टेट एनिमल गयाल है, स्टेट बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल है, स्टेट फ्लावर यहां पर जैसा कि बताया था फॉक्सटेल ऑर्चिड या राइनोचोस्टेलिस्ट रेटुसा यहां का स्टेट फ्लावर है, जबकि स्टेट ट्री में डेट्रोकॉर्पस रेटुसस यहां का स्टेट ट्री है। यहां पर थोड़ा सा नाम इंग्लिश में नाम है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन फंस सकता है। बेसिकली स्टेट फ्लावर पूछ सकता है जो राइनोकोस्टेलिस्ट रेटुसा, बेसिकली यहां का स्टेट फ्लावर है, जिसे यहां पर एक और नाम दिया गया फॉक्सटेल ऑर्चिड। आई होप कि आपको हमारे करंट अफेयर्स अच्छी तरह से पसंद आ रहे हो। अगर आपको हमारा चैनल पे दिए गए करंट अफेयर्स पसंद आ रहे हो फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर जरूर करते रहें, ताकि दूसरों को भी लाभ मिलता रहे। थैंक यू एंड टेक केयर।